दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी मिलिट्रीज पर अपनी जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। नए नए हथियार खरीदने में व नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में काफी ज्यादा खर्चा होता है और कई हथियार तो बिना इस्तेमाल हुए ही लंबे समय के बाद खराब हो जाते हैं, जिन्हें अपग्रेड करने में भी बड़ा खर्चा आता है। जैसे भारत ने अपने MiG-21 फाइटर जेट, जो कि इन्होंने रसिया से खरीदे थे, उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किए गए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, जो कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और जिस प्रकार भारत ने तेजस का डेवलपमेंट किया है, उसी प्रकार पाकिस्तान और चीन मिलकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट JF-17 का प्रोडक्शन भी करते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम भारत के तेजस व पाकिस्तान के JF-17 थंडर के बीच कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस पर भारी है। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जनरल फीचर्स से। तेजस एक इंडियन सिंगल सीट फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए तैयार किया गया है। वहीं JF-17 थंडर का पूरा नाम है CAC या PAC-JF-17 थंडर। ये भी एक लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना के चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन दोनों ने मिलकर तैयार किया है। दोनों ही फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अब इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो तेजस 13.2 मीटर लंबा, 8.2 मीटर चौड़ा और 4.4 मीटर ऊंचा है। वहीं JF-17 14.9 मीटर लंबा, 9.4 मीटर चौड़ा और 4.7 मीटर ऊंचा है। तेजस के एम्प्टी वेट की बात करें तो ये बिना हथियारों के 6560 किलोग्राम वजन का है। वहीं JF-17 6586 किलोग्राम वजन वाला एयरक्राफ्ट है। तेजस के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये 13500 किलोग्राम मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। वहीं JF-17 12700 किलोग्राम वजन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। फ्यूल कैपेसिटी और पेलोड की बात करें तो तेजस में 2458 किलोग्राम का एक इंटरनल फ्यूल टैंक है, वहीं यह 5300 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ लेकर जा सकता है। JF-17 में 2330 किलोग्राम वजन का एक इंटरनल फ्यूल टैंक है, साथ ही ये 4600 किलोग्राम का पेलोड अपने साथ लेकर चलता है। दोनों ही एयरक्राफ्ट में एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स ऐड करके फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद बात करें परफॉर्मेंस की, तो तेजस में एक सिंगल इंजन लगा हुआ है जो कि 53.9 किलो न्यूटॉन्स का इनिशियल थ्रस्ट पैदा करता है। वहीं आफ्टर बर्निंग स्टेज के बाद ये 90 किलो न्यूटॉन्स का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। JF-17 भी एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसमें 50.4 किलो न्यूटॉन्स का इनिशियल थ्रस्ट मिलता है और आफ्टर बर्निंग स्टेज के बाद इसमें 85.6 किलो न्यूटॉन्स का थ्रस्ट पैदा किया जा सकता है। इसके बाद परफॉर्मेंस के अदर फीचर्स देखें तो तेजस की मैक्सिमम स्पीड है 1975 किलोमीटर प्रति घंटा, साथ ही समय के साथ इसमें और भी ज्यादा इजाफा किया जा रहा है। वहीं JF-17 की मैक्सिमम स्पीड है 1909 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कॉम्बैट रेंज, तो तेजस 500 किलोमीटर तक फुली लोडेड कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। वहीं JF-17 1350 किलोमीटर तक कॉम्बैट ऑपरेशन कर सकता है। फेरी रेंज की बात करें तो तेजस 3200 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। वहीं JF-17 3500 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। सर्विस सीलिंग, तेजस 16500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, वहीं JF-17 भी इतनी ही ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। रेट ऑफ क्लाइंब की बात करें तो तेजस की रेट ऑफ क्लाइंब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वहीं JF-17 की रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड बताई जाती है। ये तो बात हुई परफॉर्मेंस की। इसके बाद देखें आर्मामेंट्स, तो तेजस पर एक 23mm GSH डबल बैरल गन माउंटेड की गई है, जो कि 3400 राउंड्स प्रति मिनट फायर कर सकती है। वहीं तेजस मैक्सिमम 8 वेपन्स अपने साथ कैरी कर सकता है। वहीं JF-17 पर भी एक 23mm GSH
डबल बैरल गन लगाई गई है। यह इसके अगले वर्जन को भी माउंटेड किया जा सकता है जो कि 3400 राउंड्स प्रति मिनट ही फायर करती है। JF-17 मैक्सिमम 7 वेपन्स अपने साथ कैरी कर सकता है। इसके अलावा मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स की बात करें तो तेजस पर एयर टू एयर मिसाइल्स में अस्त्र डर्बी R-73-77 मिसाइल्स तेजस से फायर की जा सकती हैं। वहीं एयर टू सरफेस अटैक के लिए ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल्स भी यह फायर कर सकता है। इसके अलावा एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल के साथ कई तरह के बॉम्ब्स भी तेजस से फायर किए जा सकते हैं। वहीं JF-17 थंडर में भी एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और कई तरह के बॉम्ब्स फायर करने की क्षमता JF-17 के पास है। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा इंडिया के तेजस और पाकिस्तान एंड चाइना के JF-17 थंडर के बीच कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, कौन सा एयरक्राफ्ट किस पर भारी है? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।